Morya. Hello and welcome back to Pam's Kitchen and this is Pramila Verma. अगर आपने भी अभी तक गणपति जी का बप्पा का फेवरेट प्रसाद यानी कि मोदक नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, मेरे पास बिल्कुल क्विक मोदक की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 10 मिनट में। जो भी आपके पास सामान पड़ा हुआ है उससे ये बन जाएगा। बस एक पोहा आपको चाहिए और देखिए कितनी जल्दी ये मोदक रेडी हो जाते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोदक बनाने का। रेस्ट बहुत सारे मेथड हैं जिससे आप बप्पा को भोग लगवा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो 3 तरह के मोदक हैं। जी हाँ, 3 तरह के मोदक हैं। 2 जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं और 1 जो है वो है जो लोग कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मैं कुछ दिनों से कीटो डाइट पे हूँ यानी कि लो कार्ब डाइट पे हूँ, तो उसके लिए मैंने एक अलग से कीटो मोदक भी बनाया है और 1 उनमें से हेल्दी मोदक है। तो आइए देखते हैं अपने क्विक मोदक की रेसिपी। 3 तरह के मोदक। कमोन, ये यहाँ मैंने लिया है 1 कप इंस्टेंट पोहा, जो बारीक वाला पोहा होता है, चीनी और कुछ केसर के दाने, दूध में भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। पैन में घी पोहा को ड्राई रोस्ट करना है पहले हमें, और इस तरह से स्लो गैस पे इसको कुछ मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करें। ये स्लो गैस पे मैंने पैन रखा हुआ है, तो इस तरह उसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करते हुए ताकि वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा एक कलर भी आ जाए और उसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी आ जाती है। तो क्योंकि इसको हमने एक पाउडर बनाना है तो इस तरह ये गोल्डन ब्राउन हमने बना दिया इसको, और इसको 3 से 4 मिनट लगे हैं। और अब हमने इसको ठंडा होने रख दिया और पैन में, सेम पैन में मैंने 1 से 1.5 चम्मच घी डाल रही हूँ, और इस घी में अब हम ये अपना जो ड्राई फ्रूट है इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। और ये रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट टेस्ट भी अच्छा देता है और थोड़ा सा पक भी जाता है। तो इस तरह इसको स्लो गैस पे ड्राई फ्रूट को भी रोस्ट करके हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही ये ठंडा होता है तो अब ये देखो कि ये पोहा जो है हमारा हाथ से ही तोड़ने से पाउडर हो रहा है। तो अब मैं इसमें से अपनी 2 रेसिपी बनाऊंगी, इसलिए मैं इसमें से आधा पोहा और
ये हमारे केसर वाले मोदक एकदम से रेडी हैं और इजी भी इतने हैं बनाने में कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और ये जो रेस्ट वाला हमारा पोहा है उसमें मैं डालूंगी जैगरी। यस, सेकंड जो मेरे मोदक हैं वो जैगरी वाले हैं और हेल्दी कह लो आप इनको। और इसमें मैं डालूंगी जो रेस्ट हमारे बचे हुए ड्राई फ्रूट्स थे और इलायची पाउडर, इसको डाल के इसको भी हम चर्न करेंगे और एक फाइन पाउडर में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से एक पाउडर बन जाता है। और अब मैं इसमें देसी घी जो हमारा पैन में है उसको डालेंगे। ये देखिए, इसको भी इस तरह से मिलाएंगे और थोड़ा सा पिस्ता भी यहाँ पे फ्लेवर भी देता है और कलर भी थोड़ा सा ग्रीन देता है। तो सेम प्रोसेस में इसको भी हम दूध के साथ थोड़ा सा बाइंड करते हुए एक सॉलिड मिक्सचर बना देंगे। ये देखिए इस टाइप से थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहता है ये। और इसको भी सेम प्रोसेस करते हुए हम इसके भी मोदक वैसे ही तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हम निकाल देंगे और ये हमारे जैगरी मोदक बनके रेडी हैं। अगर आपके पास मोदक स्टैंड नहीं है तो डोंट वरी, आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं। बस इसको गोल शेप करके और थोड़ा सा ऊपर से पॉइंटेड कर दो और इस तरह से किसी भी स्पैतुला या स्पून उससे इसको थोड़े थोड़े कलियों की शेप दे दो, क्योंकि मोदक में कलियां होना ज़रूरी है। ये देखो कितना सुंदर, आप हाथ से भी बना सकते हो, तो इसलिए डोंट वरी, अगर मोदक मोल्ड नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हो। तो इस तरह हमारे ये दोनों पोहा से इंस्टेंट मोदक बनके बिल्कुल रेडी हैं। और अब मैं अपना कीटो की तरफ चल रही हूँ। कीटो मोदक के लिए मैंने एक पैन में घी डाला है और बादाम का आटा और डेसिकेटेड कोकोनट और जिलियम हस्क, ये सारी ड्राई चीज़ें हम एक साथ डाल देंगे और इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, क्योंकि कीटो में हम कुछ भी और एक्स्ट्रा ग्रेन या कुछ भी नहीं खा सकते, तो इसलिए ये बादाम के आटे से बनता है कीटो मोदक। और ट्रस्ट मी, ये भी बहुत टेस्टी है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी कीटो शुगर। और हमारे मोदक गणपति जी के भोग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो रेडी हैं मेरे तीन तरह के मोदक, केसर वाला मोदक, जैगरी मोदक यानी कि विदाउट शुगर, और ये है
हमारा कीटो मोदक जो कि चॉकलेट फ्लेवर में है। तो आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए, बप्पा को भोग लगाइए और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। एंड गाइस, अगर आप मेरे वीडियो नहीं लाइक करते तो प्लीज़ लाइक करें। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, कीप कुकिंग, हैव अ नाइस डे।